अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो में। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये खुद एक मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो कहानी है ना, उसमें पागल वागल के बारे में बताया गया है। अलग अलग टाइप के आपको पागल देखने को इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर ही मज़ेदार है, ठीक है। आप लोगों के उर्दू के कहकशां बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है। क्या नाम है? टोबा टेक सिंह। चैप्टर का क्या नाम है? टोबा टेक सिंह। चैप्टर का नाम ही देखकर आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, तो सोचिए चैप्टर कितना मज़ेदार होगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है, कहानी है। ऑफिसली बात है कि कहानी ही रहेगा ना, इसमें अलग अलग पागल के बारे में बताया गया। एक पागल ऐसा है, वैसे मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में देखिए। इस चैप्टर के राइटर है यानी कि मुसन्निफ़ है सआदत हसन मंटू। चैप्टर राइटर का क्या नाम है? सआदत हसन मंटू, ठीक है। जरा इनके बारे में देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी भी है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो सआदत हसन मंटू की पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ है 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना में सिमरेला गाँव में, ठीक है। कब हुआ है? 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना में हुआ है, ठीक है। और सआदत हसन मंटू अमृतसर में तालीम हासिल की। उन्होंने अमृतसर में ही अपना एजुकेशन लिया, तालीम लिया, ठीक है। और उनके वालिद का नाम यानी कि उनके पिताजी का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था, ठीक है। उनकी वालिदा यानी कि उनके माता का नाम सरदार बेगम था, ठीक है। सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना यानी कि पहला कहानी जिसका नाम है तमाशा। क्या नाम है? उनके पहले अफसाना का पहला कहानी का तमाशा, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। उनका पहला अफसानवी मजमुआ यानी कि अफसाना का किताब आतिश पारे हैं, ठीक है। पहला उनका अफसाना है, पहला कहानी है तमाशा, लेकिन पहला अफसाना का किताब यानी कि कहानी का किताब क्या है? आतिश पारे, ठीक है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे देखिए, मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। इनके कुछ मशहूर अफसाने के किताब दिए गए हैं आप लोगों के बुक में, जैसे कि धुआँ, खाली बोतलें खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सआदत हसन मंटू जो है वो अफसाने के मजमूए लिखे हैं यानी कि कहानी की किताब लिखे हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने फिल्मी दुनिया से भी उनका ताल्लुक है। सआदत हसन मंटू जो है ना, वो फिल्म भी लिखे हैं, जैसे कि देखिए, अपनी नगरिया, चल चल रे, नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, 8 दिन, वगैरह वगैरह, इनकी लिखी हुई फिल्में हैं, ठीक है। इन्होंने फिल्में भी लिखी हैं। और इन्होंने अफसाना निगारी के अलावा यानी कि कहानी लिखने के अलावा नावल, खाका और ड्रामा निगारी भी की है। मतलब इन्होंने नावल भी लिखा है, खाका भी लिखा है और ड्रामा भी लिखा है। तो इतनी सारी चीज़ें सआदत हसन मंटू जो है वो की है, ठीक है। जैसे मतलब प्रेमचंद के बाद इनका ही, प्रेमचंद जो है ना, जो कि मशहूर अफसाना निगार है, उनके बाद इन्हीं का नंबर है सआदत हसन मंटू। इन्होंने कम उम्र में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, और वैसे इन्होंने बहुत सारे कहानी का किताब लिखा, बहुत सारे ड्रामा फिल्म भी लिखे, जिसकी वजह से इनके कुछ कहानी की किताब पर मुकदमा भी चलने लगा, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो सआदत हसन मंटू जो है वो कम उम्र में बहुत ज़्यादा किताबें लिखे, मतलब प्रेमचंद के बाद इन्हीं का नंबर आता है, ठीक है। और देखिए, 1939 ईस्वी में बेगम सूफिया से शादी हो गई सआदत हसन मंटू की। कब हुई? 1939 ईस्वी में, जनवरी 1948 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए। सआदत हसन मंटू कब चले गए? 1948 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए, वहीं पर जहां 18 जनवरी 1955 को, पाकिस्तान में ही 18 जनवरी 1955 को लाहौर में क्या हो गया? उनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान के लाहौर में 1955 ईस्वी में उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये हो गया आप लोगों का सआदत हसन मंटू के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब जरा इस मज़ेदार चैप्टर को देखते हैं, मतलब ये हंसने हंसाने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को इस चैप्टर को समझाती हूँ। चलिए लीजिए, अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझते हैं। टोबा टेक सिंह नाम के इस चैप्टर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस वक्त के लोगों के बीच जो जज्बात उभर कर आई थी, मतलब उस वक्त का तो दर्दनाक खासा सबको मतलब याद होगा, जो सुने होंगे उनको भी मालूम होगा, ठीक है। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लोगों के बीच में तो हलचल मची थी कि हम हिंदुस्तान जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है। लोगों का दुख दर्द तो अलग ही था, लेकिन इस चैप्टर में पागल खाने में जो पागलों का जज्बात है उनके बीच ये हलचल मच गई थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो पागलों के जज्बातों को इसमें दिखाया गया है, उनके दुख दर्द को दिखाया गया है, उनमें भी हलचल मच गई थी पागल खाने में, ठीक है। और ये मतलब फैसला हुआ था बंटवारे के 2-3 साल के बाद कि जो है ना, हिंदुस्तान के जो हिंदू सिख पागल हैं जो कि पाकिस्तान में वहाँ पर छूट गए हैं, उनको वापस हिंदुस्तान में ला दिया जाए, और जो पाकिस्तान के पागल हैं हिंदुस्तान में उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह पागलों में क्या हलचल मच गया था कि अब उन्हें जाना पड़ेगा दूसरे जगह, मतलब जो पागल पागल एक
दूसरे के दोस्त थे, फ्रेंड बन चुके थे पागल पागल, तो उनमें क्या हो गया था, एक तरह से घनिष्ठा हो गई थी। अब अचानक अलग होने की बात सुनकर पूरे पागलखाने में हलचल मच गया था, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है लाहौर के पागलखाने की। इस चैप्टर में किस पागलखाने की बात की जा रही है, लाहौर के पागलखाने की, जो कि पाकिस्तान में था, ठीक। तो लाहौर के पागलखाने में जो जितने भी पागल थे उनके बीच हलचल मच गई थी कि अब उनका क्या हो जाएगा, तबादला हो जाएगा, वो चले जाएंगे अपने अपने देश में। और डेट भी फिक्स हो गया था कि इस तारीख को सभी पागल क्या हो जाएंगे, अपने अपने देश में चले जाएंगे। जो पागल हिंदुस्तान के वो हिंदुस्तान में चले जाएंगे, और जो पागल पाकिस्तान के वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। डेट भी फिक्स हो गया था। अब ये पागलखाने में हलचल मच गई थी। अब देखिए जरा पागलों का मतलब मसला सुनिए, उनका कहानी सुनिए। एक मुसलमान पागल था जो कि 12 साल से ज़मींदार पढ़ता था, ठीक है। एक ज़मींदार नाम का क्या बोला जाता है, न्यूज़पेपर आता है, उसको पढ़ता रहता था, रोज़ पढ़ता था ये मुसलमान पागल, ठीक है। अब यहाँ पर पागलों की बात की जा रही है ना, तो आप लोग पागलों के सेंस में आकर इसको समझिएगा, इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये 12 साल से ज़मींदार नाम का न्यूज़पेपर पढ़ता था, ठीक है, रोज़। तो एक इसका जो दोस्त पागल था वो पूछा कि अच्छा बताओ ये पाकिस्तान क्या चीज़ है, ठीक है, पाकिस्तान क्या है। तो ये जो मुसलमान पागल है ये बताया कि जिस हिंदुस्तान के जिस जगह पर अस्तरे बुनी जाती है वो पाकिस्तान है। अब बेचारा वो जो इसका पागल दोस्त था वो मायूस हो गया। अब बताइए मतलब ये पागलों जैसी बात हो रही है, तो पागल जैसा आप लोग समझिएगा, ठीक है। एक था सिख पागल जो दूसरे सिख पागल से पूछा हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली नहीं आती है, हिंदुस्तान की भाषा बोलने नहीं आती है, सिख पागल दूसरे सिख पागल से पूछा। तो दूसरा जो सिख पागल जो है ना वो ये जवाब दिया कि मुझे तो हिंदुस्तानी भाषा आती है, मतलब हिंदुस्तान में कैसे लोग बात करते हैं ये मुझे आती है, ठीक है। चैप्टर में यही बताया गया है कि पागल कैसे आपस में बात करते हैं, ठीक है। एक पागल जो है वो कैसे अपने दूसरे पागल से बात करता रहता है, पागलों के बातचीत के बारे में दिखाया गया है। अब देखिए एक ऐसा मुसलमान पागल है जो नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और इतना तेज नारा लगाया, इतना जोर से नारा लगाया ना कि वो फिसल कर गिर गया, ठीक है। आगे देखिए, बाज़ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, ठीक है, जो कुछ ऐसे पागल थे जो पागल नहीं थे, मतलब उनके रिश्तेदार ना जानबूझकर उस पागल में पागलखाने में ले जाकर छोड़ दिए थे, क्योंकि वो जो थे उन पर मतलब एक तरह से फांसी की सज़ा थी, किसी को उम्र कैद की सज़ा थी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए, फांसी की सज़ा से बचाने के लिए, उम्र कैद की सज़ा से बचाने के लिए उनको क्या कर दिया गया, पागलखाने में भेज दिया गया था, उनके रिश्तेदार पागलखाने में भेज दिए थे क्योंकि वो एक कातिल थे, ठीक है। अब कातिल का तो आप लोग मालूम है, उनको डायरेक्ट मौत की सज़ा दी जाती है, तो मौत की सज़ा से बचाने के लिए उनके रिश्तेदार क्या किए थे, पागलखाने में भेज दिए थे। और ये जो पागल है इनको थोड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि ये टोटल पागल थोड़ो ना थे, मतलब ये कातिल थे, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही जानते थे कि एक आदमी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम भी कहते हैं, और इसने एक जगह बनाया है मुसलमानों के लिए जिसको बोला जाता है पाकिस्तान, ठीक है। एक जगह बना दिया है मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसको मुसलमानों के लिए रहने के लिए, उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। सिर्फ ये लोग इतना ही जानते थे, अब वो पाकिस्तान कहाँ है ये भी नहीं जानते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसे पागल थे। आगे बढ़िए, एक पागल जो झाड़ू देते देते दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठ गया। देखिए एक पागल ऐसा था जो झाड़ू देते देते हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में क्या कर दिया, दरख्त यानी कि पेड़ पर चढ़ गया और उसके टहनी पर बैठ कर 2 घंटे लगातार तकरीरें देते रहा, ठीक है। और 2 घंटे लगातार तकरीरें देने के बाद वो उस पेड़ पर से उतर ही नहीं रहा था। कितना लोग जिद किए कि उतर जाओ, लेकिन नहीं उतरा। बाद में वो अपने ही मन से उतरा और अपने सिख और हिंदू दोस्तों को क्या कर दिया, गले लगाकर खूब रोया। मतलब उसको डर था कि उसके जो दोस्त हैं सिख और हिंदू वो कहीं मतलब चले ना जाए मुझको छोड़कर, ठीक है। एक पागल ऐसा भी था जो एमएससी पास रेडियो इंजीनियर मुसलमान था, ठीक है। एमएससी पास रेडियो इंजीनियर मुसलमान था, ठीक है। ये क्या किया, ऐसा पागल हुआ कि अपने सारे कपड़े उतार कर नंगे पूरे पागलखाने में घूमने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एक मोटा मुसलमान पागल जिसका नाम मोहम्मद अली था, दिन में वो 15-16 बार नहाता था। एक मोटा मुसलमान पागल था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद अली था, और वो दिन में 15-16 बार नहाता था, ठीक है। और एक दिन क्या किया, वो जंगला के पास से, जंगला समझते हैं आप लोग के बुक में भी जंगला ही दिया है, जंगला मतलब खिड़की विंडो, ठीक है। तो वो अपने खिड़की से अपने आप को क्या कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना बता दिया, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, ठीक है। वो क्या कर दिया, जो ये पागल था अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना साबित कर दिया, अपने आप को बताने लगा। आगे पढ़िए, लाहौर का पागल जो हिंदू वकील था, जरा इनके बारे में सुनिए। ये जो पागल है ये लाहौर के हैं, जो कि एक हिंदू वकील है, ठीक है। और ये मोहब्बत में पागल हो गए हैं, ठीक है। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो मोहब्बत में ही पागल हो जाते हैं। तो ये जो पागल जो है ये एक हिंदू वकील है जो कि मोहब्बत में पागल हो गए हैं, और इन्होंने सुन लिया है कि जो अमृतसर है वो हिंदुस्तान में चला गया है, अमृतसर जो है वो हिंदुस्तान में चला गया है, और जिस लड़की से वो मोहब्बत किए रहते हैं ना वो अमृतसर
अक्सर की ही रहती है, ठीक है। तो मतलब ये सुनकर बहुत ज़्यादा उनको ये और भी पागल हो जाता है, और पता है किसको मतलब गाली देने लगता है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किए थे उनको मतलब गाली देने लगता है कि बताओ अमृतसर हिंदुस्तान में भेज दिया, मैं पाकिस्तान में रह गया, ठीक है। तो मतलब ये और पागल हो गया ये सुनकर, ठीक है। मतलब इसको लग रहा था कि अमृतसर जो है वो हिंदुस्तान में चला गया, अब मैं हिंदुस्तान नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको समझाएं कि नहीं देखो तुमको भेज दिया जाएगा हिंदुस्तान में, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो लेकिन ये जो पागल था ये अपने मतलब जहाँ पर रहता था उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, ठीक है। और बहुत लोग इसको समझाए लेकिन समझने वाला कहाँ है, पागल हो गया तो पागल ही ना रहेगा। आगे देखिए, दो एंग्लो इंडियन पागल थे उस पागल खाने में, दो एंग्लो इंडियन पागल थे यानी कि अंग्रेज पागल थे। जब मतलब हम लोग के देश में अंग्रेज का शासन था तो अंग्रेज भी तो पागल होंगे ना, तो अंग्रेज दो पागल थे। और जब अंग्रेज का शासन चल रहा था ना, तो इन अंग्रेज जो पागल थे इनको बहुत ज़्यादा खातिरदारी किया जाता था, क्योंकि पागल खाने में ये एक अंग्रेज थे और अंग्रेज पागल थे, और इनको अंग्रेज की वजह अंग्रेज का शासन चल रहा था तो इनको ज़्यादा खातिरदारी मतलब ब्रेड नाश्ता वगैरह सब कुछ मिला करता था। अब इन ये लोग टेंशन में आ गए थे कि अब तो मतलब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए हैं, अब पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों को मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं, ठीक है, और उतना खातिरदारी होगी कि नहीं कि इंडियन चपाती खाना पड़ेगा, ये इस टेंशन में थे, ऐसे पागल थे, ठीक है। और एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था, ठीक है। एक पागल जो था वो ऐसा था कि खुद को खुदा कहता था। अब देखिए, इस चैप्टर का जो मरकजी किरदार है यानी कि मेन किरदार है वो है एक सिख पागल। एक सिख पागल है जो कि उस पागल खाने में 15 सालों से रह रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बिशन सिंह। ये जो बिशन सिंह है इसको टोबा टेक सिंह भी बुलाते हैं, याद रखिएगा टोबा टेक सिंह आप लोग के चैप्टर का नाम है, ठीक है। लेकिन बिशन सिंह को टोबा टेक सिंह भी बुलाते हैं, क्योंकि बिशन सिंह जिस गाँव में रहता है उस गाँव का क्या नाम रहता है, टोबा टेक सिंह नाम रहता है। बिशन सिंह जो पागल रहता है 15 साल से उस पागल खाने में, वो जिस गाँव में रहता है उस गाँव का क्या नाम रहता है, टोबा टेक सिंह। और ये जो बिशन सिंह है अपने गाँव से बहुत ही मोहब्बत करता है, अपने गांव से इसको बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, इसलिए लोग बिशन सिंह कहने के बजाय बिशन सिंह को टोबा टेक सिंह ही बुलाते थे, गांव के नाम उसको बुलाते थे नाम रखकर, ठीक है। तो ये जो पागल था ये मतलब 15 सालों से उस पागल खाने में था, और किसी से भी झगड़ा लड़ाई 15 सालों में एक बार भी नहीं की थी, मतलब 15 सालों में किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं की थी ये बिशन सिंह, ये जो पागल है, ठीक है। और इसके बाल जो दाढ़ी जितने भी इसके बाल हैं पूरा जट्टा लग गया था बाल में, मतलब समझ रहे, बाल जम गया था, और उसके बाद से इसका चेहरा पूरा भयानक हो गया था, लेकिन फिर भी ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। लेकिन पूछा गया जो मतलब उस पागल खाने के जो रखवाले होते हैं देखभाल करने वाले, उनसे पूछा गया बिशन सिंह के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो बिशन सिंह नाम का जो पागल है इसको मतलब एक दिन क्या किए, इसके रिश्तेदार बड़े बड़ी जंजीरें इसके हाथों में पैरों में डालकर लाकर इस पागल खाने में छोड़ गए, और उसके बाद से बिशन सिंह इसी पागल खाने में 15 साल से था। लेकिन फिर भी जो है ना उनके रिश्तेदार हर महीने आकर क्या किया करते थे, बिशन सिंह से मिल लिया करते थे। बिशन सिंह ऐसा पागल हो गया था कि दिन तारीख भी उसको नहीं मालूम रहता था, लेकिन उसको मालूम चल जाता था कि एक महीना के बाद उसके रिश्तेदार आकर मिलेंगे, ठीक है। और इसीलिए बिशन सिंह जो था जब उसको मतलब उसका दिल गवाही दे देता कि था कि मतलब उसके रिश्तेदार अब आने वाले हैं, तो मतलब एकदम तैयार होने लगता, जाकर नहाता, साबुन रगड़ रगड़ कर मलता, ठीक है, और बालों पर कंघा करता, एकदम फ्रेश तैयार हो जाता, और वैसा कपड़ा पहनता जो उसने कभी नहीं पहना, एकदम नया कपड़ा पहनकर अपने परिवार वालों से अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तैयार हो जाता, ठीक है। मतलब इसको मालूम चल जाता था कि हाँ इसके रिश्तेदार मिलने वाले हैं, इसको दिन तारीख का मालूम भी नहीं रहता था तो भी, ठीक है। लेकिन जब से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से मतलब इनके रिश्तेदार बिशन सिंह से मिलने नहीं आ रहे थे, जिसके वजह से बिशन सिंह जो है ना और भी पागल हो गया था, ठीक है। और इसका मतलब क्या था, इससे कुछ भी पूछा जाता था बिशन सिंह से तो उसका एक ही जवाब देता था, ये वो सिर्फ यही बोलता था, ये जो कुछ भी आप पूछेंगे ना बिशन सिंह से तो ये सिर्फ यही बोलेगा, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बे धनिया दी मंग दी दाल ऑफ दी लालटेन, यही उसका मतलब हमेशा ये मुंह में अपना बड़बड़ाता रहता था बिशन सिंह, ठीक है। लोग आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करते रहते तो बिशन सिंह चुपचाप बैठकर सुनता रहता था। अब उससे पूछा जाता था कि बताओ तुम क्या मतलब तुम भी मशवरा दो, तो सिर्फ यही बोलता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बे धनिया दी मंग दी दाल ऑफ दी लालटेन के जगह पाकिस्तान बोल देता था, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिशन सिंह इसका मतलब ये
क्या बोला जाता है, बोल बड़बड़ाता था ये कहकर, ये लफ्ज, ये अल्फाज कहकर, ठीक है। तो जब इसको मालूम चला, मतलब कई, मतलब सालों, मतलब कई दिन हो चुके थे, इसके परिवार वाले, बिशन सिंह के परिवार वाले जो है रिश्तेदार हैं, वो इनसे मिलने नहीं आए थे, तो और भी पागल हो गया था। और मतलब ये इसको मालूम था कि टोबर टेक सिंह गाँव से ही मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आते थे, ठीक है। अब ये सभी लोगों से पूछने लगा कि बताओ टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान में है। अगर कोई बता देगा कि टोबर टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, तो मैं वहीं पर चला जाऊंगा, अपने परिवार वालों से मिल लूंगा। लेकिन उस पागलखाने में कोई पागल है, सब कोई तो पागल है, कोई इसको बताएगा थोड़ो ना। तो बिशन सिंह जो है वो इसी मतलब माजरा में फंस गया था, उसको यही सवाल का जवाब चाहिए था कि टोबर टेक सिंह कहाँ है, ठीक है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। इसी बात को लेकर वो एक पागल के पास गया, जो कि खुद को खुदा कहता था, उसके पास गया कि शायद ये बता दे पागल की टोबर टेक सिंह जगह कहाँ है, ठीक है। तो जब बिशन सिंह यानी कि टोबर टेक सिंह गया इस पागल के पास और बोला कि बताओ टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, तो ये जो पागल था, जो खुद को खुदा कहता था, ये बोला कि मैंने इजाज़त ही नहीं दिया कि टोबर टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, जिस दिन इजाज़त दे दूंगा उस दिन चला जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में। बिशन सिंह बहुत गुस्सा हुआ इस पागल से, क्योंकि इस पागल ने नहीं बताया कि टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, ठीक है। एक दिन हुआ क्या कि फजलुद्दीन जो कि इस बिशन सिंह यानी कि टोबर टेक सिंह का दोस्त रहता है, और बिशन सिंह से मुलाकात करने के लिए आया रहता है, लेकिन बिशन सिंह यानी कि इसको हम टोबर टेक सिंह भी बोल सकते हैं ना, टोबर टेक सिंह अपने दोस्त फजलुद्दीन को नहीं पहचानता है और जाने लगता है, लेकिन फजलुद्दीन रोकता है उसको और बोलता है कि देखो तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे परिवार वाले हैं, वो कहाँ चले गए हैं, वो हिंदुस्तान में चले गए हैं, ठीक है, और तुम्हारी जो बेटी है रूप कौर, ठीक है, और ये कहकर मतलब बोला कि हाँ तुम्हारी बेटी भी ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी फजलुद्दीन किसको, बिशन सिंह को। फिर बिशन सिंह ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था कि टोबर टेक सिंह कहाँ है, तो बिशन सिंह ने फजलुद्दीन अपने दोस्त से पूछा कि बताओ टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो फजलुद्दीन भी नहीं बताया कि टोबर टेक सिंह जो गांव है वो कहाँ है, हिंदुस्तान में है पाकिस्तान में है, ठीक है। अब बात आ गई मतलब तबादला की, मतलब पागलों को हिंदुस्तान पाकिस्तान भेजने का दिन आ गया, सभी पागल जो है, पागलों को गाड़ी में बैठाया गया और लेकर सरहद पर चला गया, जाने लगे लो सरहद पर कि मतलब बॉर्डर पर लेकर गए लो और वहीं से हिंदुस्तान और पाकिस्तान भेज देना था मतलब पागलों को, ठीक है। तो सभी लोग जितने भी उस पागलखाने के पागल थे, सभी को बॉर्डर पर लेकर गया, ठीक है, जिसमें हमारे ये बिशन सिंह टोबर टेक सिंह भी थे, ठीक है। जितने भी पागल थे उनको गाड़ी पर चढ़ाना और उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो चढ़ जा रहे थे वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और जो उतर जा रहे थे वो इधर उधर भाग रहे थे, और औरतें मतलब आपस में चिल्ला रही थी। अब लोग जानते हैं ना, पागलों को मतलब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर भी थे जो मतलब बहुत सारे लोग थे जो उस पागल को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। बिल्कुल उसी तरह टोबर टेक सिंह भी गाड़ी में बैठा था, उसको भी उतारा गया, लेकिन उतारना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से टोबर टेक सिंह को गाड़ी पर से उतारा गया, ठीक है। उसका भी नाम रजिस्टर होने लगा और बिशन सिंह को हिंदुस्तान भेजना था, क्योंकि सिंह सिख था, ठीक है, और हिंदू सिख पागल जो थे उनको हिंदुस्तान ही ना भेजना था, तो टोबर टेक सिंह को हिंदुस्तान भेजने के लिए रजिस्टर पर नाम लिखाने लगा, ठीक है। तो जो टोबर टेक सिंह है वो धीरे से उस ऑफिसर से पूछा जो लिख रहा था, वो पूछा, धीरे से पूछ लिया टोबर टेक सिंह कि बताइए टोबर टेक सिंह गाँव कहाँ है, ठीक है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। अब वो जो ऑफिसर है जो लिख रहा था वो बता दिया कि पाकिस्तान में है। अब इसको टोबर टेक सिंह को भेजा जा रहा था हिंदुस्तान, अब इसको मालूम चल गया कि टोबर टेक सिंह पाकिस्तान में है, यानी कि उसके रिश्तेदार भी कहाँ होंगे, पाकिस्तान में ही होंगे। अब ये इसको मालूम चल गया कि हाँ पाकिस्तान में, अब जाकर पाकिस्तान वाले बॉर्डर के उधर चला गया, खड़ा हो गया टोबर टेक सिंह, उसको बहुत सारे लोग पकड़ कर खींच कर लाए, ऑफिसर भी गए थे पकड़ कर लाने के लिए, लेकिन उसको लाना मुश्किल था। अब वो एक जगह खड़ा हो गया था एकदम तन कर, अब उसको लग रहा था कि कोई तूफान हिला नहीं सकता है, वो ठान लिया था कि नहीं मुझको पाकिस्तान जाना है। अब बाकी सभी ऑफिसर को कहाँ भेजना था उसको, हिंदुस्तान में, अब ये ठान लिया था नहीं मुझको पाकिस्तान में ही जाना है, अब वहीं पर तन कर खड़ा हो गया था, ठीक है। जितने भी थे वहाँ के ऑफिसर उसको छोड़ दिए थे कि जा उसी तरह खड़ा रहे, किसी को नुकसान थोड़ा ना पहुँचा रहे, जब भेजने की बात आएगी तो हिंदुस्तान इसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकलने वाला था, तो सूरज निकलने से पहले ही, ठीक है, टोबर टेक सिंह के मुंह से एक चीख निकली, ठीक है, और सभी लोग जितने भी ऑफिसर हैं वो दौड़ कर जाकर देख रहे हैं, तो टोबर टेक सिंह जो है ना, जो 15 सालों से टोबर टेक सिंह जो है ना, वो 15 सालों से मतलब क्या बोला जाता है, वो सोया भी नहीं था, मतलब वो हमेशा खड़ा ही रहता था 15 सालों से। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, टोबर टेक सिंह जो है ना,
ये 15 साल से पागलखाने में था और 15 साल से ये हमेशा खड़ा ही रहता था। इसके पाँव सूज जाते थे लेकिन फिर भी ये कभी आज तक बैठा नहीं था। 15 साल से हमेशा खड़ा ही रहता था। इसको सोना भी था तो सोता नहीं था, सिर्फ टेक लगा लेता था। 15 सालों से सिर्फ खड़ा रहता था। तो जब इसका चीख सूरज निकलने से पहले सुनाई दिया तो जितने भी ऑफिसर थे वो दौड़ कर गए देखने के लिए। तो देखे क्या कि जो इंसान 15 सालों से नहीं सोया था, 15 सालों से लेटा भी नहीं था, वो आज औंधे मुंह लेटा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका जो टोबा टैक्सिंग है उसका इंतकाल हो गया है और वो उस ज़मीन पर लेटा हुआ है जो ना तो पाकिस्तान की ज़मीन है और ना ही हिंदुस्तान की ज़मीन है। ठीक है, जिस वो ज़मीन पर वो लेटा हुआ है उस ज़मीन पर उसका इंतकाल हुआ है जो कि ना जो ना ही पाकिस्तान की है और ना ही हिंदुस्तान की, उस ज़मीन का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों का ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। यही बताया गया है कि टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में टोबा टैक्सिंग का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। सबसे पहले ले लीजिए आता फटाफट स्क्रीनशॉट। अब चलिए जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है आप बताएं से, यानी कि आप लोगों को बताना है, लेकिन फिर भी मैं ही बताती हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सवाल है टोबा टैक्सिंग किस शय का नाम है। ठीक है, टोबा टैक्सिंग किसका नाम है, तो वो गांव का नाम है, लेकिन फिर भी बिशन सिंह को टोबा टैक्सिंग बुलाते थे लोग, क्योंकि बिशन सिंह अपने गाँव से बहुत ही मोहब्बत करता था। ठीक है, दूसरा सवाल है लाहौर पागलखाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे। जो लाहौर पागलखाना था, इस लाहौर पागलखाने के हिंदू और सिख हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा सवाल है उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया। उस पागल का क्या नाम है जिसने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना बोल दिया, तो वो था मोहम्मद अली। ठीक है, जो मोटा पागल था जो कि दिन में 15-16 बार नहाता था, उसका नाम मोहम्मद अली था और एक दिन वो अपने खिड़की से अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना का ऐलान कर दिया कि मैं ही हूँ मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चार नंबर सवाल है टोबा टैक्सिंग का असल नाम क्या था। तो टोबा टैक्सिंग जो है उसका असल नाम बिशन सिंह था। ठीक है, पाँच नंबर सवाल है टोबा टैक्सिंग की मौत किस जगह हुई। तो टोबा टैक्सिंग की मौत हुई थी ज़मीन के उस टुकड़े पर जहाँ जो ना ही पाकिस्तान का था और ना ही हिंदुस्तान का था। मतलब टोबा टैक्सिंग ऐसे जगह पर औधे मुंह लेटा हुआ था, ऐसे जगह पर उसकी इंतकाल हुई थी, मौत हुई थी, जो ज़मीन ना तो पाकिस्तान का था और ना ही हिंदुस्तान का था, उस ज़मीन का कोई नाम नहीं था। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर आप लोगों को मैं समझा दी हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है। लिखना तो आप लोगों को है, अपने हिसाब से अपने ज़ुबान में अपनी भाषा का यूज़ करके अच्छे अच्छे लफ्ज़ों को सजा कर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।